So yo, what's up guys, आप सभी का स्वागत है एक हमारे नए वीडियो में। तो आप देख सकते हैं मैं स्नो विलेज में आ गया हूँ। अरे सुबह क्यों सो रहे? तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा एक मॉडर्न हाउस। तो आप देख सकते हैं ये है वो मॉडर्न हाउस। तो वैसे तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है। आपको पीछे से दिखा देता हूँ। सो कुछ ऐसा ही है। सो इधर हमारी कैंप फायर है जिसमें हमको आग लग सकती है बट नहीं लग रही है। सो अब देख सकते हैं बहुत अच्छा है। और वो हमारा एक स्विमिंग पूल है जो कि ऑब्वियसली मैं रही हूँ। सो इधर हम स्विमिंग करके बाहर निकल सकते हैं। अभी मैं आपको अंदर का टूर दे देता हूँ। जैसे मैंने इसको पूरा स्नो का ही बनाया है क्योंकि ये स्नो विलेज है और स्नो बायोम। तो ये हमारा डाइनिंग टेबल, आराम से बैठकर कुछ भी खा सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट टेबल मैंने इधर नीचे लगाया, इधर ऊपर है और सही। तो ये दो विलेजर इधर टाइम पास के लिए मेरे साथ पार्टनर मतलब है मेरे। तो ये चेस्ट है खाली। तो ये हमारी बुक शेल्फ और ये तो ऊपर है हमारी टेरेस। ये ऑब्वियसली लॉन है और इधर बहुत काफ़ी स्नो पड़ चुके है। इसको मैं साफ कर दूँगा। यार मैंने घास फूस के तोड़ी, बहुत मुश्किल से बोन मिल मारा है। तो भाई इधर स्नो आती रहेगी। अब वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो मतलब समझ। तो इधर से हम सीधा कूद सकते हैं, पानी में छलांग लगा सकते हैं और मस्त तरीके से स्विमिंग कर सकते हैं। इधर स्विमिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने इसको इतना मॉडर्न नहीं बनाया। तो मैं जस्ट देखना चाहता था कि हमारा मॉडर्न हाउस भी बनता है तो कैसा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। तो इधर से मैं किसी के ऊपर भी ऐसे एरो वगैरह छोड़ सकता हूँ, आप देख सकते हैं। तो मेरे को एक चीज़ इधर डाउट आ रही है, ये मतलब ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है भाई। एक की बी ब्लॉक नीचे टच नहीं हो रहा। ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ भी है कि नहीं माइनक्राफ्ट में? लो भाई इधर और एक, इधर इतने बड़ी आग लगी बट कुछ नहीं हो रहा इसको। ये दूसरा लॉजिक कमाल करते हो माइनक्राफ्ट तुम भी। सो ये तो होते रहेंगे माइनक्राफ्ट में। आप वीडियो को देख कर गाइस ये बहुत अच्छा है मतलब ये विलेज। सो इसमें कुछ घर ऐसे भी हैं जिनमें कुछ नहीं है बस बैरल है। तो अब बताना कमेंट करना कि मेरा घर कैसा लग रहा है आपको। तो ये एक्चुअली में तो क्यूब जैसा ही है बट क्यूब नहीं है। आप देख सकते हैं इधर ऐसा शेप है। सो मैं अलग टाइप के भी घर बनाऊंगा, फिलहाल तो मेरे दिमाग में यही आया था। सो आप भी कमेंट करो कि कैसा घर बनाना चाहिए। सो इधर देखो, इधर जैसे मैं सो के उठा इधर आया, इधर बैठा इसको खोया तो इधर लिखा है गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। वैसे मेरी गुड मॉर्निंग तो बहुत पहले हो जाती है। सो जो लोग देर तक सोते हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग। सो ये हमारा कैंप फायर बहुत मेरे को पसंद आया क्योंकि गाइस देखो ये ठंडी का मौसम है, ठंडी लगती है ना। सो आराम से इधर बैठ कर गर्मियों पर देख सकते हैं। अपने बैटमैन को भी बहुत पसंद आया है। सो आप इधर की डर्ट थोड़ी डार्क होती है नॉर्मली, आप देख सकते हैं कि मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे ग्रास ब्लॉक लेना पड़ेगा। सो अब देखो ये ग्रास ब्लॉक दिखता कैसा है। सो अभी मैं इसको स्नो बायोम में लगाऊंगा और उधर का आप देख लेना। सो देखो लो भाई आपको इधर ही डिफरेंस दिख रहा है, उधर कितना लाइट है और इधर कितना डार्क है कि नहीं। सो गाइस जादू।
तो आप देख सकते हैं जादूगर हूँ। तो चलो घर में चलते, वो भी पीछे। तो ये चलाना बहुत मुश्किल होता है, किसी को पड़ती भी नहीं। थैंक्स गेट खोलने के लिए। बंद कर दिया, खुले गेट खुल। सो शायद से ये गेट नहीं खुलने वाला। सो एक मिनट का। सो गाइस अब देखो, अब हमारा आदमी एकदम सही हो गया है। चल भाग भाग इधर से। सो अभी मैंने इसको इसलिए हमारा क्योंकि ना प्रॉब्लम हो गया थोड़ा। तो चलो गाइस मैं आपको ऐसे तोड़ दूंगा। मैं इधर बैठता हूँ, उठता हूँ, सोता हूँ, गाता हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।